क्या उर्दू में हम नमाज के लिए दिल में नियत कर सकते हैं? दिल में नियत होती है, दिल में नियत, वो किसी जुबान में भी नहीं होती। आपको पता है दिल में आपके क्या नियत है, जो जुबान से बोलना है वो किसी भी जुबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। जुबान से बोलना बिदत है। आप अपने घर में बैठे हैं, मिसाल देकर समझा दूं, नमाज के लिए अजान हो गई, आप उठे, घर बंद किया, दरवाजा बंद किया, बाहर निकले, उठे क्यों, घर क्यों बंद किया, मिसवाक क्यों की, चलकर मस्जिद क्यों गए, वजू क्यों किया, मस्जिद में दाखिल क्यों हुए, ये तमाम चीजें दलील है कि आपकी नमाज पढ़ने की नीयत है। और जब आप खड़े होंगे उस वक्त अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर देंगे, नमाज का आगाज अल्लाहु अकबर से है। और आप वहां आकर कहें मैं नियत करता हूं नमाज की, नमाज चार और पीछे इमाम के मुंह में रखाना, का बशीर वास्ता के आगे इमाम है, इधर अब्दुल्ला है, इधर अब्दुर्रहमान है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, पीछे कोई भी कोई नहीं, अल्लाह अकबर, आप कहते हो मैंने अब नियत की, तो जो घर से निकले थे वो ड्रामा था, जो मसवा की थी वो क्यों, जो वजू बनाया वो क्यों, चल के मस्जिद में आए बकाले पे नहीं गए वो क्यों। आप कहेंगे नियत हर चीज की जरूरी है, तो भाई नियत दिल में होती है, जुबान से अदा करना नियत। इसकी एक और मिसाल दे दूं, आप घर में आए, आपकी वालदा मुहतरमा ने कहा बेटा आओ खाना खा लो, आपकी रोटी खाने की नियत होगी तो क्या करोगे, अखबार पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, उसे बंद करोगे, हाथ धोगे, दस्तरखान पे बैठोगे, बिस्मिल्लाह कहोगे, खाना शुरू कर दोगे, यही करते हो ना। लेकिन नियत तो हर अमल की जरूरी है ना। किसी अकलमंद ने दस्तरखान पे बैठकर नियत की, वो हाथ धो के आए दस्तरखान पे बैठे और कहे मैं नियत करता हूं रोटी खाने की, दो रोटियां खाऊंगा, एक गिलास पानी पीऊंगा, एक प्लेट सालन खाऊंगा, हाथ से खाऊंगा, मुंह के रास्ते खाऊंगा, पेट के वास्ते खाऊंगा, सामने अम्मी है, इधर अब्बू है, इधर बेगम है, बिस्मिल्ला। किया नहीं, क्यों? आपको कि मौली साहब तेरा दिमाग तो नहीं खराब, जब मैंने हाथ धोए तो क्यों धोए, मैं चलकर दस्तरखान पे आया तो क्यों आया, हाथ धोने में खाना खाने की नीयत छुपी हुई है, दस्तरखान में बैठने में खाना खाने की नीयत छुपी हुई है, खाने का आगाज बिस्मिल्लाह से है। मैं कहूंगा प्यारे भाई अजान सुन के दरवाजा बंद किया आपने अपने कमरे का नमाज की नीयत से, मिसवाक किया नमाज की नीयत से, वजू किया नमाज की नीयत से, चल के मस्जिद आए नमाज की नीयत से, अल्लाहु अकबर, ये नमाज की इब्तदा है।